हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 5th जुलाई से लेकर 11th जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रिडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड एंड पैशन इग्नाइटेड। ये दोनों ही कार्ड्स नई बिगनिंग की बात करते हैं, किसी चीज़ के शुरू होने की बात करते हैं, किसी चीज़ के एंड होने की बात करते हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि पीछे अगर आप इन जनरल या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड डीमोटिवेटेड महसूस कर रहे थे, जहाँ पे एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट आपका लो था, तो कहीं वही एंथुजियाज़म फिर से आता हुआ दिख रहा है। उसी से रिलेटेड एक नई बिगनिंग हो रही है। आप अपने गोल के लिए, अपने मकसद के लिए काफ़ी मोटिवेटेड होते हुए दिख रहे हैं। और अगर पीछे आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से काम कर रहे थे, वो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर कोई लाइफ का फेज़ आपका बहुत टाइम से चल रहा था, कहीं उनमें ही एक एंडिंग, एक बिगनिंग आती हुई दिख रही है। और इसी से ही रिलेटेड एक फ़न, मज़ा, मस्ती भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक फ्रीडम वाली एनर्जीज़ भी बहुत सारे लोगों के लिए रहती हुई दिख रही हैं। जो भी लोग आपके आसपास हैं, उनकी तरफ से एक रिकग्निशन, एक अप्रिसिएशन भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए लिटरली आउट ऑफ द कंट्री या फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई चीज़ होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई खबर आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई अच्छी चीज़ आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड एक एक्साइटमेंट है, एक एंथुजियाज़म है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन को ही इंटरनेशनल लेकर जाना चाहते हैं, ग्लोबल लेकर जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, उससे ही रिलेटेड बहुत एक एंथुजियाज़म है, या फिर उसी से रिलेटेड एक बिगनिंग है। तो देखिए, ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड काफ़ी ब्यूटिफुल, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 of Cups रिवर्स एंड हार्मनी। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे अगर आपकी एनर्जीज किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी, जहाँ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे आपको क्या चाहिए आप उससे रिलेटेड श्योर ही नहीं हो पा रहे थे, आप एक चीज़ के बारे में सोचते थे तो आपको लगता था ये नहीं, मुझे तो कुछ और चाहिए, और इसी वजह से किसी लेवल पर आप कन्फ्यूज थे, इसी वजह से किसी लेवल पर आप परेशान थे, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी आप सोच बहुत रहे थे और कॉन्क्रीट स्टेप्स, कॉन्क्रीट एक्शन उस डायरेक्शन में नहीं ले रहे थे। तो कहीं इस वीक उन सब डिस्ट्रैक्शंस को आप हटाते हुए दिख रहे हैं, आप एक चीज़ को फाइनलाइज करते हुए दिख रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड अगर आपको कोई डिसीजन लेना था आप नहीं ले रहे थे, कोई चॉइस लेनी थी आप नहीं ले रहे थे, तो कहीं वो भी आप लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं। और हो सकता है इसी वजह से यहाँ पे हार्मनी का कार्ड कह रहा है कि एक पीस, एक सुकून आपके पर्सनल फ्रंट में आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड स्पेसिफिकली अगर आप ऐसी एनर्जीज में थे, तो उनको भी आप क्लियर करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से
कुछ इश्यूज़, कुछ मसले अगर आपके रिलेशनशिप में थे तो वो भी सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये दोनों कार्ड्स एक गाइडेंस भी हो सकते हैं, जहाँ पे ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप एक पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, अगर आप एक सुकून चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी एरिया में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को क्लियर करें, आप क्या चाहते हैं आप उस पर फोकस करें और आप कहीं एक श्योरिटी लेकर आएं, आप डिसीजन लें, आप चॉइसेस लें उस डायरेक्शन में। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है बिगिन नाउ, और ये कार्ड कहता है टेक योर फर्स्ट स्टेप। तो देखिए, दोनों ही फ्रेंड्स के लिए मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसी से रिलेटेड आप शुरुआत करें। क्योंकि होता क्या है ना जेमिनीज की, हम सोचते तो बहुत हैं लेकिन एट टाइम्स हमारा एक्शन मिसिंग होता है। और यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड भी कहीं यही चीज़ कह रहा है कि पीछे शायद आप बहुत सोच रहे थे लेकिन कर नहीं रहे थे। तो इस वीक जो भी, अगेन मैं कहूँगी, आप चाहते हैं उससे रिलेटेड आप शुरुआत करें, क्योंकि उसको अचीव करने का एक ही ज़रिया है कि उस डायरेक्शन में आप फर्स्ट स्टेप लें या फिर उस डायरेक्शन में आप शुरुआत करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है एरीज, और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा ट्यूसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।